नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। मुख्यालय समेत देश भर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा मनाया गया भव्य रूप से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग के साथ राजयोग अपनाने का आह्वान। शांतिवन में आयोजित 5 दिवसीय अखिल भारतीय संत सम्मेलन में शामिल हुए देश भर से अध्यात्म प्रेमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भेजा अपना शुभकामना संदेश। अब खबरें विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन, दिल्ली के पंजाबी बाग, यूपी के राजधानी लखनऊ समेत देश भर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने राजयोग के साथ योग अभ्यास किया। चलिए आपको दिखाते हैं उसकी तस्वीरें। सुबह के दस्तक देने से पहले ही दिल्ली के पंजाबी बाग में हजारों की संख्या में मौजूद बी के सदस्यों ने राजयोग का गहन अभ्यास कर शांति के वाइब्रेशन फैलाए। फिर उसके पश्चात योगा अभ्यास किया। योग है सत्यम शिवम अति सुंदरम, कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा। योग दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लखनऊ में भव्य योग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दीप जलाकर किया। चलो योग करे, आओ योग करे, चलो योग करे। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक सहितकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। शांतिवन में चल रहे 5 दिवसीय अखिल भारतीय संत सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, पंजाब से आचार्य अरविंद मुनि जी, आंध्र प्रदेश से श्री यज्ञवाल के राजा शमम के पीठाधिपति श्री 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 कृष्ण चरणानंद भारती जी, मुंबई से संन्यास आश्रम के महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद गिरी जी, वृंदावन से शंकर शक्ति आश्रम के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी राजशेखरानंद जी शामिल हुए। तो वही संस्था की ओर से अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके मनोरमा, मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत हजारों की संख्या में लोग डायमंड हॉल में मौजूद रहे। संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। परमात्मा का सत्य स्वरूप विषय को लेकर आयोजित किए गए इस संत समागम की सफलता के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश को पहले दिखाया गया। उसके पश्चात मंच में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा शांतिवन परिसर आबू रोड राजस्थान में 18 से 22 जून 2022 तक अखिल भारतीय संत सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत आध्यात्म और ज्ञान की पावन धरा है।
ईश्वर का स्मरण व भक्ति मन को शांति देकर हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। आम जन के ईश्वर से जुड़े हुए विविध प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए लोगों को आध्यात्म से जोड़ने में हमारे साधु संतों ने बड़ी भूमिका निभाई है। विश्व में एकता, समानता व बंधुत्व के संस्कारों को पिरोने में हमारे मनीषियों की मेधा व लोक मंगल की भावना अनुकरणीय है। जैसे शांति वन में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में कोई कदम रखता है, प्रवेश करता है और जैसे जैसे कदम से कदम आगे बढ़ता है, उस वह तो प्रभु की याद में डूब जाता है। हर जगह में भगवत गीता प्रचार हो रहा है, लेकिन यहां पर भगवत गीता आचरण हो रहा है। परमात्मा का अंश एक आदमी 60 साल उम्र तक एक परिवार को पिताजी था, एक घर का पिताजी था। 60 साल का बाद में विश्व पिताजी बना है, वही प्रजापिता ब्रह्मा है। 1000 बुद्ध एक साथ बैठ करके कहीं साधना करें, जैसी शांति 1000 बुद्धों की साधना से होनी चाहिए, वैसी शांति इस शांति वन में आकर के प्राप्त होती है। मेरे माता पिता 1964 में बाबा के चरणों में लाए यहां, और उन्होंने, जब मैं बाबा के चरणों के पास आया हूं, तो मैं एक बहुत वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और तार्किक व्यक्ति रहा हूं। साधारण किसी तरह से मैं झुकने वाला व्यक्ति न उस समय था, ना आज भी। तो उसी समय बाबा की मुस्कान और बाबा की सुगंध है, जो उनके शरीर की सुगंध है, मेरे को छू गई। और जो मुस्कान थी, फिर बाबा ने कहा एक शब्द 1964 में कि तुम इस भारत वर्ष के प्रकाश की एक किरण हो और तुमको अपनी रोशनी से विश्व को प्रकाशित करना है। ये वाक्य हैं 1964 के। विश्व के लिए कल्याण का अवसर है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे ऐसे भाग्यशाली संत जो पहली बार इस उत्सव में पधारे हैं, अगली बार और भी बड़ा संत सम्मेलन होगा, और भी बड़ा कुंभ होगा। हम समझते हैं ये सारा शांतिवन संतों से भर जाएगा, उस समय सचमुच विश्व में परिवर्तन आएगा। जीवन का उद्देश्य है अब हम पाप ना करें, अगर अब तक किए हैं तो उस पाप से मुक्ति मिल जाए। तो ये दोनों के लिए भगवान का मार्गदर्शन है, जो मुझे अजन्मा अनादि समझकर सर्वलोक का महेश्वर स्वरूप में मुझे याद करता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उद्घाटन सत्र के अंतिम दौर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बी के जयंती, संस्था के महासचिव बी के निर्वैर जी के भी शुभकामना संदेश दिखाए गए। जिस तरह से शास्त्र में गायन है, जबकि सभी ने अपनी उंगली का सहयोग दिया था तो उससे गौतम पर्वत उठा था, तो अब वो समय है कि हम सब मिल करके उस एक परमात्मा की याद की उंगली के द्वारा हम सब अपना वो पवित्रता की शक्ति का सहयोग देकर फिर से भारत में सब धर्म की स्थापना करें। ये कार्य अवश्य होगा, तो आप सब आए हैं, मुझे उम्मीद है कि यही कार्य होगा। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।